हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका LTMBIC के इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन 2 में आप पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है आय व्यय और बचत के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बचत के बारे में बताया, बचत का अर्थ क्या होता है, बचत के लाभ क्या है, फिर बचत कितने प्रकार का होता है और बचत कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है बचत विनियोग के साधन। ठीक है, बचत विनियोग के साधन। बचत विनियोग के साधन से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए बचत करना है, ठीक है, लेकिन बचत करने के साधन क्या है। ठीक है, मतलब हम अपने धन को किसके द्वारा, किन साधनों के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे संस्थाएं हैं जहाँ पे गृहिणियाँ अपने धन को सुरक्षित रख सकती हैं। ठीक है, लेकिन हमें, ठीक है, मतलब गृहिणियों को अपने धन को हमेशा एक अच्छे संस्था में अपने धन को क्या करना चाहिए, अपने धन को एक ऐसे संस्था में हमें बचत करके फिर जमा करके रखना चाहिए जहाँ पे हमारा धन जो है वो क्या हो, सुरक्षित हो। ठीक है, ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर हम अपने धन को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मैं आपको कुछ संस्थाओं के उदाहरण बता रही हूँ जहाँ पे अपने धन को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक है, मैं आपको कुछ संस्थाओं के नाम बता रही हूँ, जैसे कि डाक खाना, डाकखाना की बचत योजनाएं। डाकखाना का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। डाकखाना में भी हम अपने धन को जमा करके उसको सुरक्षित रख सकती हैं। सेकेंड है भारतीय जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा की बचत योजनाएं। सरकारी भविष्य निधि योजना, ठीक है, एक और सरकारी ऋण समितियों की योजनाएं। फाइव है यूनिट ट्रस्ट,
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस संस्था में भी हम दिल्लिया अपने धन को जमा करके उसको सुरक्षित रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बचत विनियोग के साधन के अंतर्गत मैंने आपको कुछ संस्थाओं के नाम बताए, जिसमें हम आप ठीक है मतलब कि गृहिणियां अपने धन को क्या कर सकती हैं, जमा करके इन सभी संस्थाओं में हम अपने धन को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डाकखाना की बचत योजना है, भारतीय जीवन बीमा की बचत योजना है, सरकारी भविष्य निधि योजना, सरकारी ऋण समितियों की योजनाएं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बचत योजनाएं, यह ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने धन को जमा करके सुरक्षित रख सकते हैं। इन संस्थाओं में हम अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बावजूद हम अपने धन को कहाँ पे बचत करके रख सकते हैं, बैंक में। बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बैंक। बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बैंक में भी क्या किया जाता है, अपने धन को जमा किया जाता है, जिसमें हमारा धन क्या होता है, सुरक्षित रहता है। आइए जानते हैं बैंक खाता क्या होता है। ठीक है, क्या बैंक खाता बैंक अपने ग्राहकों के लेन देन का विस्तृत विवरण रखती है, जो बैंक होता है। ठीक है ना, बैंक में क्या होता है कि ग्राहक जो होते हैं वो अपने धन को क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक का काम क्या है, ठीक है, बैंक जो है वो अपने ग्राहकों के लेन देन का विस्तृत विवरण रखती है। ठीक है, जिसे बैंक खाता कहते हैं। ठीक है, बैंक खाता किसे कहते हैं, बैंक जो है वो अपने ग्राहकों का ठीक है विस्तृत विवरण रखती है, जिसे बैंक खाता कहते हैं। बैंक खाते कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से होता है बचत खाता, क्रेडिट कार्ड खाता, चालू खाता इत्यादि, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन होता है बचत खाता, क्रेडिट कार्ड खाता और चालू खाता। खातों में यह विवरण होता है कि ग्राहक ने ठीक है कितना लेन देन किया, कहने का मतलब है कि मतलब ग्राहक ने अपने पैसे को कब निकाला, ठीक है कब निकाला और कब जमा किया। बैंक जो खाता होता है ठीक है उसमें बैंक यह विवरण रखता है कि जो उनका ग्राहक है उन्होंने अपने पैसे को कब बैंक से निकाला और कब जमा किया, ठीक है कितना ब्याज आदि लगाया गया, और किसी भी दिन उस खाते की क्या स्थिति है। ठीक है, मतलब कि उसमें कितना पैसा जमा है, कितना निकाला गया, ठीक है या फिर कितना पैसा निकाला गया, या फिर ये भी होता है कि कितना पैसा निकालना संभव है। जैसे कि बैंक में क्या होता है कि एक रूल होता है कि आप बैंक से कितने पैसे निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं, इन सब का पता चल जाता है किसके द्वारा, बैंक खाता के द्वारा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि बैंकों द्वारा हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी या फिर मिलती हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बैंक जो होता है, ठीक है, बैंक में क्या होता है कि यह जो होता है यह एक व्यावसायिक संस्था है। कैसी संस्था है? व्यावसायिक संस्था है, जो कि धन के आसान शब्दों में बैंक जो होता है वो एक व्यावसायिक संस्था होता है जो कि लेन देन का कार्य करता है। क्या करता है? लेन देन का कार्य करता है। और बैंक में पैसा जमा करने से हमें ब्याज भी मिलता है। तो देखिए, बैंकों द्वारा क्या सुविधाएं मिलती है? बैंकों द्वारा जो हम धन जमा करते हैं वो क्या होता है? सुरक्षित रहता है। बैंक में हम जो भी अपना धन रखते हैं वो क्या होता है? सुरक्षित रहता है। सेकेंड है, आवश्यकता होने पर, आवश्यकता होने पर धन निकाला जा सकता है। और अगर हमें कभी ऐसी, हमारे सामने कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमें धन की आवश्यकता पड़ गई तो हम बैंक से अपने धन को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड है, बचत खाते। बचत खातों को सेविंग अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट में जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है। बैंक में पैसे को बचत करने से एक और सुविधा है कि जो बचत खाता होता है, ठीक है ना, बचत खाता में, सेविंग अकाउंट में अगर हम अपने धन को बचत किए हैं, ठीक है, तो बचत खाते में जमा धनराशि, ठीक है, मतलब हमने जितना धन जमा किया है उस पे क्या मिलेगा? ब्याज भी मिलता है। अब आप पढ़ेंगे बैंक में कुछ खातों के बारे में, जिसका हेडिंग है बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते। सबसे पहले मैं आपको बैंक में कुछ
खाता के नाम बता दूं, जैसे कि फर्स्ट है आपका चालू खाता, चालू खाता जिसको करंट अकाउंट बोला जाता है, करंट अकाउंट, चालू खाता को करंट अकाउंट बोलते हैं। सेकेंड है बचत खाता। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बचत खाता के बारे में बताया, बचत खाता को बोलते हैं सेविंग अकाउंट। थर्ड है निश्चित अवधि, निश्चित अवधि का जमा खाता। निश्चित अवधि का जमा खाता फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट अकाउंट। जनता डिपॉजिट अकाउंट फाइव है गृह बचत खाता। इसको बोलते हैं होम सेविंग अकाउंट, होम सेविंग अकाउंट। सिक्स है संचयी संचयी सावधि जमा योजना। क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट। एक और है आपका अविरत पेंशन योजना, अविरत पेंशन योजना, अविरत पेंशन योजना। पेरेनियल पेंशन प्लान एक और है पुनर्विनियोजित योजना।
रिन्वेस्टमेंट प्लान। स्टूडेंट ये है कुछ बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते जिनको अभी मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है, बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते, ठीक है, जिसमें हम अपने धन को क्या कर सकती हैं, सुरक्षित रख सकती हैं। स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। थैंक यू।